गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पार्ट सेवन में हम देखेंगे दी सेवन ऑक्टाहेड्रल एंड दी सेवन टेट्राहेड्रल ऑर्गल डायग्राम। तो कैसे बनाते हैं, अब तो काफ़ी इजी है, आप समझ गए हो। तो देखिए, ऑर्गल डायग्राम ऑफ दी सेवन ऑक्टाहेड्रल, तो इसमें हम देखेंगे दी सेवन ऑक्टाहेड्रल किसके जैसा होता है, डी टू ऑक्टाहेड्रल जैसा, विदाउट रिपल्सन वाला, ठीक है, जो अभी हमने डी एट का पढ़ा था। तो इसके लिए हम मेटल की बात करेंगे, सेवन चाहिए, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट का कर लीजिए। कोबाल्ट में कितने होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। 9 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, क्या होता है, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 हो गए तो क्या बचेगा, 3d7 4s 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्लस 2 बचा, तो कोबाल्ट ले रहे हम। मेटल आ जाएगा CO प्लस 2 में, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, H2O लिगेंड है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, सॉरी वीक लिगेंड होता है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक्वा मेटल, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, एक्वा मेटल कॉम्प्लेक्स होगा, सिस्टम कौन सा आ जाएगा, 3d7 सिस्टम आ जाएगा, ग्राउंड टर्म के लिए ये है, तो ये नहीं निकाल रहे हम इसमें, इसको रहने देते, एल तक निकालते हैं। ऑर्बिटल बनाया 0 + 1 + 2 - 1 - 2, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक हटा दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसके लिए S प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, 1, 2, 3, 3 है, H का 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, 2 × 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 + 1, ये आ जाएगा आपका 4। देन उसके बाद L चाहिए हमको, जहां जहां भी इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल में उतनी बार उसको नोट कर लो, प्लस 2 वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बार नोट करेंगे, +2 + 2 + 4, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 + 1 + 2, इसको रहने दो 0 को, इसमें 1 है -1, इसमें 1 है -2, तो आ जाएगा 6 + 4 + 2 = -3, ये आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा, 3 के लिए क्या होता है, F होता है, F हो गया, तो इसका टर्म सिंबल क्या आ गया, 2s + 1 आ गया हमारा 4, देन L आ गया F, 4F। अब इसका हम देखेंगे एनर्जी लेवल, तो सबसे पहले ऑर्गल डायग्राम देख देते हैं, ये आ जाएगा 4f 4p, देन ऑक्टाहेड्रल बना रहे तो G आएगा 4A2G4T1G T1G P 3 4T2G 4 T1 G F, ये आ जाएगा। इसमें लिख लो क्या क्या आया है, 4A2G + 4T1G + 4T1G P + 4T2G + 4T1G F, ये इसका आ गया है एनर्जी लेवल। और जो ऑर्गल डायग्राम निकाला हमने, किसके बिटवीन निकाला, एनर्जी एंड स्टैंड ऑफ लिगेंड, तो ऑल ओवर हमारा यहाँ पर इसका यही रहेगा, ये कंडीशन ध्यान दीजिए, और ये 20 dq ही रहेगा, ऑल ओवर 20 dq और 2.0 del 0। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 14, ऑर्गल डायग्राम ऑफ डी सेवन टेट्राहेड्रल, ऑर्गल डायग्राम ऑफ डी सेवन
टेट्राहेड्रल। तो ध्यान दीजिए, D7 टेट्राहेड्रल हमको बनाना है तो कैसा है, इसके जैसा है D7 ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट, यानी कैसा, रिपल्सन वाला। तो रिपल्सन वाला कौन होगा, D2 टेट्राहेड्रल जैसा। तो रिपल्सन वाला बनाना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, मेटल हमने ले लिया CO+2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक्वा मेटल कॉम्प्लेक्स, 3D7 सिस्टम, ग्राउंड टर्म सेम रहेगा 4F, एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा क्योंकि क्या है, रिपल्सन वाला हमको बनाना है। तो ये ध्यान दीजिए, रिपल्सन को कैसे बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा D7 ऑक्टाहेड्रल में भी सेम रहेगा, जो बनता है मोलर अब्जॉर्बेंस और वेव नंबर, जहां पर भी एफ आई, 3F आए 4F आए, तो उसके लिए आपका 3 बैंड बनाने हैं। तो 8 पॉइंट में हम बना रहे हैं रिपल्सन वाला। D7 टेट्राहेड्रल रिपल्सन के लिए तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने लाइन खींची तो उसमें क्या लिख दिया, एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। इसके दो पार्ट होते हैं 4F और 4P। तो ध्यान दीजिए, ये रिपल्सन वाला आ गया है, यहां लिखेंगे हम 4P1P, ये हो जाएगा 4P1F और ये हो जाएगा 4T2 और ये हो जाएगा 4A2। जी हमको हटा देना है, ये आ जाएगा 12DQ और प्लस 1.2 ΔO, ये आ जाएगा, सॉरी माइनस आएगा, ये माइनस 12 एंड माइनस 1.2 ΔO, ये आ जाएगा माइनस 2DQ और माइनस 0.2 ΔO, ये आ जाएगा प्लस 6DQ और प्लस 0.6 ΔO, 10 से डिवाइड करने पर इसका जो ऑल ओवर आएगा ये आ जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं 20DQ और 2.0 ΔO। ये ऑर्गल डायग्राम हो गया D7 का, टेट्राहेड्रल का ऑर्गल डायग्राम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपको कैसे बनाना है, मोलर अब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बिटवीन बनाना है, जिनमें क्या होंगे, 3 बैंड आएंगे। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया है, ऑर्गल डायग्राम D7 ऑक्टाहेड्रल एंड ऑर्गल डायग्राम D7 टेट्राहेड्रल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।